हेलो फ्रेंड्स, दस्तरखानी वारसिया में आप सभी का स्वागत है। मैं शाहिदा वारसिया नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर सैंडविच, जिसे हमने दो टाइप्स में बनाया है, एक सेक कर बनाया है, एक बिना सेका। तो आप देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं बनाना। सैंडविच बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 बॉयल आलू, 3 ककड़ी और यहाँ पर 1 शिमला मिर्च है और 2 टमाटर और ये 1 कांदा है और ये 4-5 हरी मिर्ची। तो हम अभी आपको काट के सब बताते हैं। तो यहाँ पर हमारी सभी सब्जियाँ कट गई हैं और ये 3 आलू जो है इसको हम तोड़ लेंगे इस तरह से और डालेंगे सिर्फ नमक, ज़रूरत के हिसाब से नमक डालें आप भी। और यहाँ पर सिर्फ हमने 2 से 2.5 हरी मिर्ची काटी है क्योंकि ये तीखी है तो हमें ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए क्योंकि ऊपर से चटनी भी रखने वाले हैं। इस तरह से आलू को तोड़ लेंगे सब अच्छे से। आलू सब हमारे टूट गए हैं तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं इस तरह से सबको, प्याज, ककड़ी, शिमला मिर्च, टमाटर और हरी मिर्ची। तो यहाँ पर हमारी सब्जियाँ सब मिक्स हो गई हैं और देखिए कितना अच्छा ये बाइंडिंग हो गया है, कोई अलग नहीं हो रहा है, बराबर आलू में लपट गए हैं सब, ऐसे ही हमें चाहिए था। तो यहाँ पर हो गया। अब चलिए ब्रेड पे हम लगाएंगे मेयोनीज और उसकी तैयारी करेंगे। मेयोनीज डाल रहे हैं हम। ये देखिए मेयोनीज लग गई अच्छे से। और एक साइड हम आलू भरेंगे। चीज स्लाइस रख रहे हैं। तो हो गया। और अब ये हमने इसे ढक दिया इस तरह से। और यहां पर हम इसे सेकने को रख रहे हैं। अच्छे से हो गया हमारा सैंडविच रेडी। ये इसे चीज हम डालेंगे। दो कच्चा बनाएंगे, 2 पक्का हुआ, 2 वैरायटी। और डालेंगे सॉस। और डालेंगे ये हरी चटनी। तो हमारे यहाँ पे सैंडविच रेडी और इसके ऊपर डालेंगे वेफर्स, पोटैटो चिप्स हैं, और
तो यहाँ पर हमारा सैंडविच रेडी है, जिसे हम अपने ससुर और अपने हस्बैंड को सर्व करेंगे। और जो ये सेका हुआ है ना, ये हम अपने हस्बैंड को देंगे, क्योंकि ये उनको चलेगा, और ये बिना दांत वाले के लिए, जो बिना सेका हुआ है। तो चलिए मैं उनको सर्व करने जा रही हूँ। तो आपको अगर मेरा ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।